आप देख रहे हैं एसटीवी लद्दाख, आवाज घर घर की। डोमेस्टिक कमर्शियल जो खेलते कमर्शियल के अलावा नहीं चले। तो ग्लव्स क्यों नहीं लगाते हो? सर मैं टोपी शोपी क्यों नहीं? तुम्हारे ये तो बाल साल जाएंगे खाने में। बाल साल तो सारे नहीं है, ये बाल जमा हुआ नहीं है, यही लगता है इसलिए थोड़ा चर्बी है। और इसमें क्या है? सुधर रूम है ये चावल के जना सफाई का खाना है ना बिल्कुल किस ग्राम का लगा रहा है? पिछली बार भी हो गया, पिछली बार 25 ग्राम था, अभी 5 ग्राम ही बढ़ाया है। अगली बार में बढ़ाया, इसको 30 ग्राम, इसको 12 ग्राम करो, आपकी तरफ से फायर देगा। तो फाइन कितना लगा सकते हैं? हमारे लास्ट लिमिट है। ये मोमो इधर भी है फ्रीजर में, इधर भी फ्रीजर में है मोमो। नासी मोमो को फ्रीजर या नासी मैं तो कर जा आज हम हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम के साथ, जिसमें हमारे शफकत साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी साथ में हैं, फूड एंड सप्लाई के हमारे तहसील ऑफिसर्स एसएचओ करगिल और बाकी भी स्टाफ जो है, मार्केट चेकिंग हम लोग कर रहे हैं इस वक्त प्रेजेंटली, जिसमें ज़्यादातर ये देखना पाया जा रहा है कि जितने भी इनके पास फूड, स्पेशली फूड आइटम्स हैं, तो उसमें जो है वो एक्सपायरी डेट और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर जो है वो उसको हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कुछ कुछ आइटम्स जैसे बिस्किट्स हैं या बाकी एक दो आइटम्स हैं, जिनमें कुछ कई जगह जो है वो थोड़ा बहुत ये पाया गया है कि एक्सपायरी डेट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, और उन आइटम्स को हम कन्फिस्केट कर रहे हैं, जिसको हमारे साथ मजिस्ट्रेट भी साथ में है, और ये सारा जो है सीज्ड आइटम्स को किसी जगह लेके डिस्ट्रॉय किया जाएगा।
और साथ साथ में फाइन भी इम्पोज किया जा रहा है। तो ये सिलसिला अभी लगातार पिछले दो घंटे से जारी है। हमने लगभग आधा मार्केट कवर अप किया है। हमने ये साथ साथ में ये भी देखा कि जितने भी हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं और जितने भी चाय के ढाबाज वगैरह हैं उनमें सफाई वगैरह जो ये इनको डोमेस्टिक सिलेंडर यूज़ नहीं करना चाहिए था वो चीज़ भी देखा, साथ साथ में हम देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये पाया गया है कि सफाई वगैरह नहीं है या उनके पास बेकरी आइटम्स जितने भी हैं वो अगर कुछ ख़राब वगैरह हमें दिख रहा है तो जिसमें ब्रेड वगैरह उसमें डेट होना चाहिए था जो पाया गया कि डेट वगैरह नहीं था तो उनको भी सीज करके साथ साथ में फाइन भी इम्पोज कर रहे हैं। और हमारे चौकी ऑफिसर भी साथ साथ में हैं, जैसे जितने भी दुकानदार हैं हम साथ साथ में उनको ये इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं कि आप अपने शॉप्स में या जो भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनमें सीसीटीवी कैमराज जो है वो इंस्टॉल करें ताकि फ्यूचर में चोरी के वारदात को जो है वो रोका जाएगा। उनकी अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो ये इंस्ट्रक्शन ये हिदायत वगैरह दिए जा रहे हैं जो हमें जो है आगे जो है इनको अपना खुद को फायदा पहुंचेगा ही पहुंचेगा। कल किसी जगह कोई हादसा होता है तो वो साथ साथ में रिकॉर्ड भी होता रहेगा तो हर किसी को बेनिफिट हो जाएगा इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस और साथ साथ में इनको खुद की अपनी पर्सनल सेफ्टी भी उसको उठा नहीं सकता है तो वो सारा रिकॉर्ड होता रहेगा। तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी साथ साथ में जारी किए जा रहे हैं इंक्लूडिंग उसके बाद पिछली बार भी हमने एक ड्राइव चलाया था और साथ साथ में आज भी कर रहे हैं कि जो आइटम्स जैसे कि फुटपाथ में बहुत सारे दुकानदार जो है वो बाहर रास्ते के बीच में सामान जो है वो छोड़ के उसको सेल करते हैं और ओपन जो है वो डिस्प्ले करते हैं जो एक ऑफेंस है अंडर 36 सेक्शन 36 ऑफ द पुलिस एक्ट तो उसमें उनको बाउंड डाउन किया जाएगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो उसके बाद सो ये हमें साथ साथ में अभी फिलहाल जो है वो कर रहे हैं। ये पिछले दो घंटे से ये ड्राइव जारी है, मेरे साथ शफकत साहब भी हैं तो आगे भी हम जो है वो टाइमली ये चीज़ें करते रहेंगे क्योंकि अभी हमारा जो जिला बंद होने वाला है तो एक बार अगर इस चीज़ को अगर हम चेक में नहीं लाएंगे तो ये आइटम्स इनके पास अभी फिर या इनको याद नहीं दिलाएंगे तो ये आइटम्स ऐसे ही रहेंगे, अदरवाइज एक्सपायरी डेट के आते ही ये आइटम्स वापस दोबारा मैन्युफैक्चरर को वापस जाने चाहिए। तो ये सारा जो है हम पिछले दो घंटे से कर रहे हैं।